शो बीटा टू और उनकी टीम ने स्नैचर्स के गैंग को वर्कआउट किया है। उसमें से पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से पांच मोबाइल, एक बाइक और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि बीटा टू, सूरजपुर और मिसरख, साइट फाइव, इन सभी क्षेत्रों में शाम के समय में स्नैचर्स इस तरह का बाइक यूज़ करते हुए स्नैचिंग करके स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी, जिसमें इस बीटा टू को सफलता मिली है। और जो स्नैच्ड मोबाइल्स हैं, इसका भी पता चल गया है कि कहां कहां से हैं। और इस तरह से छह घटनाओं में इनकी संलिप्तता पाई गई है, पूछताछ की जा रही है। और संभावना ये है कि इससे ज़्यादा कहीं और ज़्यादा संख्या में इन लोगों ने स्नैचिंग्स करी हैं। और हम लोग धीरे धीरे इनसे पूछताछ करके जो हमें टिप्स मिले हैं उसको और भी आगे डेवलप करेंगे और इस गैंग के और मेंबर्स को भी वर्कआउट करेंगे। जो लीडर है बताया जा रहा है कि वो टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं। इसमें ये सब बुलंदशहर के मोस्टली रहने वाले हैं और एक बाहर का है जो इनके साथ हो गया था। ये सब एक ही जगह रहते हैं और वही स्नैचिंग करके जो इसकी प्रोसीड्स मिलते हैं उसको आपस में शेयर कर लेते हैं। इसमें एक गैंग लीडर टाइप का है शाहरुख और बाकी इसके साथ रहते हैं। और मोबाइल्स को लूटने के बाद उसको सेल आउट करना, उसके पैसे आपस में बांटना, इसका पूरा का पूरा कमांड शाहरुख के पास था। इस तरह से गैंग का नेता है और इसके इस गैंग में और लोग भी, कुछ लोग हैं, इसके बारे में जानकारी हो रही है। किस किस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं ये? बेसिकली स्नैचर्स हैं। कितने दिनों से सक्रिय थे, कौन कौन क्षेत्र में और किस इलाके में करते थे? देखिए, ये साल भर से इस एरिया में एक्टिव है और अभी तो केवल छह घटनाओं में इनकी इन्होंने अभी स्वीकारी है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिसमें इन्होंने कबूल नहीं किया, हम लोगों को पता है। बेसिकली ये साल भर से एक्टिव है और इनका जो मेन फोकस एरिया है वो बीटा टू और नॉलेज पार्क, साइट फाइव, सूरजपुर और मिसरख। जो गैंग लीडर है शाहरुख को अपनी बाइक देता था, उसके बाद ये हाँ, ये बाइक इसके पास इसी बाइक थी और इसमें डिफरेंट जैसे कॉम्बिनेशन बना करके, चार लोग थे तो उसमें से आज दो चले गए, कल दूसरे दो गए, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के क्राइम।